नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 10 हरा ट्रेड में। नवरात्रि और दशहरे की इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो आने वाले हफ्ते में आपको बम्पर कमाई करा सकते हैं। और ये ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मनोज जैन, हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर, हैं कमोडिटी एंड करेंसी के, साथ ही पैराडाइम कमोडिटी के CEO बीरेन वकील साहब है, और कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी रिसर्च के VP हेड रविंद्र वी राव हैं। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ, क्योंकि सोना अभी पिछले काफी दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और रिकॉर्ड से करीब करीब 10% के आसपास अभी नीचे है। तो क्या इस फेस्टिव मौके में क्या मौका है, क्या एक ट्रिगर मिलेगा इस त्योहारी मौके पर और सोना एक लंबी छलांग यहां से लगा सकता है, और क्या कुछ हो सकता है अगले हफ्ते में? रविंद्र जी, आपके पास आते हैं कि सोने को लेकर क्या आपका आउटलुक है और अगले हफ्ते के लिए क्या टारगेट आप देख रहे हैं गोल्ड में? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन। मेरे हिसाब से गोल्ड एक दायरे में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि अगर हम लास्ट एक दो वीक का मूव देखे तो जो US इलेक्शंस को लेके जो ट्रेडर जो साइडवेज हुए हैं, और स्टिमुलस को लेके एवरीडे कुछ ना कुछ नया आता है कि एक दिन आता है कि स्टिमुलस आएगा, एक दिन बोलते हैं कि स्टिमुलस नहीं आएगा। सो आई थिंक उसके वजह से थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है गोल्ड में वो अभी भी बुलिश है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी एक कमजोर स्टेट में है। चार्टिकली एक अच्छा HNS पैटर्न बना है डॉलर इंडेक्स में, जो इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स शायद आने वाले टाइम में इट माइट इवन स्लिप बिलो 90। उसके अलावा जो स्टिमुलस का होप्स है वो पॉजिटिव रखेगा गोल्ड को, और US इलेक्शंस का जो अनसर्टेनिटी है वो भी एक पॉजिटिव जोन में ही गोल्ड को रखना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है, लेकिन US इलेक्शन तक मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज रहेगा। MCX पर 50,400 50,200 का एक बॉटम होना चाहिए, और अपसाइड 51,700 51,800 तक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर डिप आता है टुवर्ड 50,500 50,600 एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बाई के लिए, 51,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस हम करीब 50,200 100 के आसपास रख सकते हैं। यानी डिप पर सोने की खरीदारी की सलाह है। रविंद्र जी का मानना है कि 51,500 रुपये सोना जा सकता है। मनोज जी, आपका भी यही सिमिलर व्यू है, आपका भी मानना है कि गोल्ड में खरीदारी करके ही चलना चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी, आपको और सारे जी बिजनेस के व्यूअर्स को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस बार दशहरा पे हमारा शो नहीं होगा तो पहले ही हम जो है शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा कि रविंद्र भी बता रहे थे, ओवरऑल जो अंडरलाइन जो टोन है गोल्ड का वो पॉजिटिव है, और बाय ऑन डीप की जो रणनीति है वो अभी यहाँ कारगर रहेगी, क्योंकि US इलेक्शन को लेकर के अनिश्चितता है, स्टिमुलस को लेकर के अनिश्चितता है, तो उसके चलते बार बार जो है कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कल हमने US के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर उम्मीद से थोड़े बेहतर आते हुए देखे थे, जिसके चलते एक बार ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ 50,200 50,300 के स्तर स्ट्रांगली होल्ड हो रहे हैं, और नेक्स्ट वीक भी वो होल्ड होना चाहिए। तो कहीं भी अगर डीप मिलता है 50,550 के स्तरों के आसपास तो खरीदारी करके चलना चाहिए, 50,200 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 51,300 तक के स्तर फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यानी मनोज जी का भी मानना है कि आपको खरीदारी करके ही चलना चाहिए, और गोल्ड 50,300 का टारगेट मनोज जी का, और रविंद्र जी का मानना है कि 50,500 का टारगेट आने वाले हफ्ते में दिख सकता है। बीरेन सर, आपका क्या मानना है गोल्ड को लेकर, आपका क्या आउटलुक है, और आप क्या गोल्ड मिनी में ट्रेड करने की सलाह देंगे क्या? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी, आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। मैं भी मनोज भाई और रविंद्र भाई की बातों से सहमत हूँ, मेरा भी वही लेवल आ रहा है, 50,500 के आसपास मैं बाइक प्रेफर करूँगा। पिछले 3 वीक से मार्केट करीबन 3% की रेंज में, यानी नीचे में 50,300-200 के आसपास सपोर्ट लेता है, ऊपर में 51,500-600 के आसपास उसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ दो ट्रेड हो सकते हैं, या तो बार्गेन बाइंग हो सकता है 50,500 पे, या तो वो प्राइस ना मिले और 51,400 क्रॉस होता है तो वहाँ मोमेंटम बाइंग भी हो सकता है। 3 नवंबर की चुनाव को देखते हुए सीरियस मनी जो है वो अभी फिलहाल साइडलाइन लग रहा है, और स्टिमुलस की भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है कितने दिनों से, जिसमें कोई डिसिसिव मूव नहीं आ रहा।
ये दायरे का जो कारोबार है ये देखते हुए कहीं भी ब्रेकआउट तो आना चाहिए। जी, यानी वीरेन जी को अभी मानना है कि गोल्ड में तेजी करके ही चलना चाहिए, और उन्होंने जो दिया है उन्होंने गोल्ड मिनी दिया है। सर, गोल्ड मिनी का टारगेट आपने क्या रखा है? करीबन ये 10-15 दिन, 15 दिन का इसका अवधि है और 51,800 तक का टारगेट है। यानी दो कॉल आ गए, गोल्ड दिसंबर और गोल्ड मिनी का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ही आप ट्रेड करके चल सकते हैं। रविंद्र जी, चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या है और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आने वाले हफ्ते में? चांदी में भी भीषण बुलिशनेस है, क्योंकि चांदी में एक तो गोल्ड में सपोर्ट रहेगा, गोल्ड के वजह से सपोर्ट रहेगा। दूसरा, अगर बेस मेटल्स का मूव देखे तो सारे बेस मेटल्स में हमने एक अच्छा अप मूव देखा है। हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में फिर से ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स में इंटरनेशनली LME पर एक ब्रेकआउट आया है। तो मेरे हिसाब से इवन चांदी में व्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा सा अच्छा करेक्शन का वेट कीजिए। हो सकता है कि अराउंड 61,500, 61,600 के आसपास चांदी आए, तो वहां पर एक बार बाइंग किया जा सकता है। 60,400, 500 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और सॉरी 61,000 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट मुझे लग रहा है कि अराउंड 63,000 से 63,500 तक आ सकता है। लेकिन इसमें भी वही है, नेक्स्ट से 10-12 डेज के लिए आई थिंक एक ब्रॉड रेंज रहेगा, बट डिप्स में इसमें अच्छी बाइंग फिर से री इमर्ज हो सकती है। यानी चांदी में भी खरीदारी करके ही चलना चाहिए। इनका मानना है कि आने वाले हफ्ते में 63,500 के लेवल चांदी दिखा सकती है। मनोज जी, आप भी क्या यही मानते हैं कि चांदी में तेजी करके ही चले? बिल्कुल, एक दायरे का ट्रेड है, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, यानी बाय ऑन डिप का रणनीति यहाँ भी कारगर रहेगा। जैसा कि रविंद्र भी बता रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक डिमांड इमर्ज जो होती हुई दिख रही है, और काफी सारे बेस मेटल्स में हमने LME पर ब्रेकआउट आता हुआ देखा है, तो उसके सपोर्ट्स में यहाँ सिल्वर जो है निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि थोड़े करेक्शंस आते हैं टुवर्ड 62,000, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने की। ऊपर में फिर से एक बार 63,500, 63,600 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 61,200 के स्टॉप लॉस से 62,000 पर यहाँ बाइंग जो है वो कर सकते हैं। यानी गिरावट पर खरीदारी करके सोना और चांदी दोनों ही चल सकते हैं। बीरेन सर, आपने गोल्ड मिनी दिया था, क्या सिल्वर मिनी में ट्रेड बन रहा है क्या? सिल्वर में भी मैं मिनी ही प्रेफर करूंगा। यहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि गोल्ड की तुलना में इसकी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो दोनों साइड की बात है कि गाड़ी मिस भी ना हो जाए और बहुत ऊंचे भाव पे खरीदी में ना जाए, तो दो पार्ट में मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। एक जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं, यानी 62,800 के आसपास, और दूसरी बाइंग 60,500, 60,500 के आसपास आनी चाहिए। जो लो रिस्क ट्रेडर है उनको 60,500 में बाय करना चाहिए। इसी तरह इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा लो रिस्क के लिए वो 64,000 रहेगा, और हाई रिस्क के लिए 66 का रहेगा। इसकी अवधि थोड़ी लंबी होगी, करीबन 3 वीक की रहेगी। यानी बीरेन जी का भी मानना है कि चांदी को खरीद कर ही चले, हालांकि ये कॉल दे रहे हैं सिल्वर मिनी में और गोल्ड मिनी में भी इन्होंने कॉल दिया। तो अब तक चार कॉल आ चुके हैं, गोल्ड, गोल्ड मिनी, सिल्वर और सिल्वर मिनी। और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। मनोज जी, कच्चे तेल पर आपका क्या आउटलुक है और कच्चे तेल को लेकर किस तरह का ट्रेड बन रहा है अगले हफ्ते के लिए? कच्चे तेल में एक दायरे का ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। 38 डॉलर ऑन द लोअर साइड यहाँ पे अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं 41-42 डॉलर पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक भी जो है कि यहाँ दायरे का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ डिमांड आती हुई दिख रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ भी अगर थोड़े डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 2,930 से 2,950 के रेंजेस में MCX पर खरीदारी कर सकते हैं। 2,855 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 3,060 से 3,080 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर में 3,060, 3,080 के रेंजेस में शॉर्ट भी जा सकते हैं। यानी दोनों तरफ के ट्रेड जो है यहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि थोड़े करेक्शंस आवे तो खरीदारी की रणनीति की जा सके। यानी क्रूड में गिरावट आए तो वहां पर खरीदारी का मौका देखें और 3,070 के टारगेट के लिए आप फिर वेट कर सकते हैं। रविंद्र जी, आपका बेस मेटल को लेकर क्या आउटलुक है और बेस मेटल में कोई टॉप पिक अगले हफ्ते के लिए? विश्वमान, बेस मेटल्स में वैसे तो ओवरऑल सारे ही मेटल्स पॉजिटिव लग रहे हैं, स्पेशली कॉपर, जिंक और निकल।
लेकिन कॉपर में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है कल के सेशन में, ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपए हमने टूटते हुए देखा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि चार्टिकली भी एलएमई पर एक ब्रेकआउट है और पॉसिबल है कि 7,100 से लेकर 7,200 तक का लेवल एलएमई पर आए। रीजन यही है कि जो चिलियन कॉपर माइन में जो सप्लाई वरी चल रही है वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। उसके अलावा जो भी यूएस स्टिमुलस को लेके जो भी होप चल रही है वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। चाइनीज डिमांड निकल के आ रही है वो सपोर्टिव फैक्टर है। सिर्फ एक वरिंग फैक्टर ये है कि एलएमई वेयरहाउस स्टॉक जो है वो थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल से इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन कल का जो करेक्शन था आई थिंक अच्छा करेक्शन था और हो सकता है कि ये 532 530 तक आए, वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये फिर से एक बार 540 से 544 तक जा सकता है। सो 530 के आसपास एक अच्छा बाइंग बन रहा है इसमें। 524 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट ले सकते हैं 540 और 544 का। ओके, यानी 544 रुपए के टारगेट के लिए आप कॉपर खरीद सकते हैं। ये बेस मेटल पर रविंद जी की कॉल है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की और शुरुआत कर लेते हैं ग्वार से, जहां पर अब धीरे धीरे तेजी वापस से लौट रही है। सबसे पहले बीरेन सर आपके पास आ रहा हूं, ग्वार को लेकर आपका क्या आउटलुक है और आने वाले हफ्ते के लिए किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ग्वार सीड में? ग्वार में अराइवल बैक टू बैक देखें तो लास्ट ईयर से करीबन 30-35% कम दिख रही है और पूरा कैटल फीड मार्केट वर्ल्ड वाइड भी तेजी में है, यहाँ भी तेजी में है। तो स्पेशली जो कोरमा और जूरी के प्राइसेस में जो तेजी है वो ग्वार को सपोर्ट कर रही है। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्वार गम में भी टेक्सटाइल सेक्टर और फूड सेक्टर की जो डिमांड है वो भी रिबाउंड हो रही है। तो आने वाले दिनों में हम ग्वार में अच्छी तेजी देख सकते हैं, यहाँ करीबन 4,450 के आसपास के लक्ष्य हम देख सकते हैं। इसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। ओके, यानी फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, आप खरीद कर चल सकते हैं। 4,350 रुपए का टारगेट बीरेन जी दे रहे हैं ग्वार सीड को लेकर। मनोज जी, आपका आउटलुक और टारगेट क्या है ग्वार सीड को लेकर अगले हफ्ते के लिए? बिल्कुल, एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है और 4,250 पे हमने बार बार यहाँ रेजिस्टेंस आते हुए देखा था, लेकिन हमने 4,250 के ऊपर कल क्लोजिंग आते हुए देखी थी ग्वार सीड नवंबर वायदा में। मेरा मानना है कि पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है नेक्स्ट वीक, और एक बार कीमतें यहाँ 4,400 से 4,420 तक के स्तर दिखा सकती है। 4,250 के स्तरों पर खरीदारी करें, 4,160 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य रखें 4,420 तक। यानी इनका टारगेट 4,420 का है ग्वार सीड को लेकर। रविंद्र सर, आपका आउटलुक और ट्रेडिंग व्यू अगले हफ्ते के लिए ग्वार पर? विशुमन, फंडामेंटल्स तो बीरेन जी ने बताया है कि काफी पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से टेक्निकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है इसमें। इनवर्स एच एन शोल्डर हेड एंड शोल्डर है और इसका ब्रेकआउट आया है और ये डेली वीकली चार्ट्स पर है, तो आई थिंक इसमें अपसाइड और बहुत आ सकता है ऊपरी साइड में। मेरा जो इनिशियल टारगेट है वो अराउंड 4,600 का होगा, 4,600 से 4,650। डिप अगर 4,250 या 200 तक मिलता है तो एक बार बाई कर सकते हैं, 4,050 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और इनिशियल टारगेट 4,600 है लेकिन उसके ऊपर भी ये जा सकता है। सो आई थिंक मोमेंटम काफी पॉजिटिव है और ब्रेकआउट के वजह से इसमें एक अच्छी खासी बाइंग देखी जा सकती है नेक्स्ट वीक। यानी ग्वार पे काफी पॉजिटिव व्यू आ रहे हैं, 4,600 रुपए तक के भी टारगेट ग्वार सीड पर आ रहे हैं। यानी तीनों जानकारों का मानना है कि आने वाले हफ्ते में ग्वार सीड में अच्छी तेजी दिखेगी। और अब एक और काउंटर है मस्टर्ड, जहां पे लगातार तेजी का रुख है, आज भी जबरदस्त तेजी का रुख लगातार बना हुआ है। बीरेन जी, मस्टर्ड को लेकर आपका आउटलुक और क्या ट्रेडिंग व्यू आप अगले हफ्ते के लिए रख रहे हैं? यहाँ भी लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी मजबूत है, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। हाफ रेट ने जैसे अभी सरसों का ट्रेड बंद कर दिया, सेल बंद कर दिया है। जो भी स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग हाथों में है और नया फसल आने में अभी भी अराउंड 3 महीना बाकी है। इलियट वेव के हिसाब से अगर देखूँ तो मैं लॉन्ग टर्म 6,200 6,200 तक का इसमें देख रहा हूँ। करंटली फोर्थ वेव इसमें चालू है, तो कहीं 5,600 के आसपास मिले तो मैं बाइंग प्रेफर करूंगा, जिसमें लक्ष्य रहेगा 6,6100 के आसपास का और स्टॉप लॉस 5,400 के आसपास रख सकते हैं। ओके, यानी इसमें भी तेजी का ही व्यू मस्टर्ड को लेकर भी बीरेन सर का है। सोयाबीन एक
काफी अच्छी तेजी के बाद अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। बीरेन जी, इस पे आपका व्यू क्या है सोयाबीन को लेकर? इसमें ग्लोबल फंडामेंटल बहुत ही बुलिश है, बट ये प्री हार्वेस्ट बुल रन है, तो ये शॉर्ट टर्म शॉर्ट कवरिंग यानी स्क्वीज कॉर्नरिंग जिसको बोलेंगे, उस टाइप की तेजी है। नवंबर एंड में या दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगी, बट फिलहाल वो 4,500 तक 4,500 तक जा सकता है। तो यहाँ भी मेरा 4,200-4,220 के आसपास बाइंग का नजर रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 4,350 4,400। ओके, यानी 4,400, 4,420 रुपए का टारगेट सोयाबीन में भी आने वाले दिनों में दिख सकता है। मनोज जी, आपका व्यू सोयाबीन मार्केट पर? बिल्कुल, यहाँ भी पॉजिटिव ही मोमेंटम बना हुआ है और हमने देखा है कि सीबीओटी पर कीमतें लगभग 2 वर्ष की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है और भारतीय बाजारों में भी हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। मेरा मानना है कि यहाँ भी जो है पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। 4,250 के स्तरों पर यहाँ भी खरीदारी की जा सकती है, 4,250 से 4,220 के रेंजेस में। 4,380 से 4,400 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 4,140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, यानी सोयाबीन में भी अच्छी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। 4,380 रुपए का टारगेट आने वाले दिनों में सोयाबीन में भी दिख सकता है। चलिए, एक और आखिरी काउंटर है एग्री मार्केट का है, वो है कॉटन सीड केक, जो काफी लोअर लेवल के आसपास ही है। बीरेन सर, आपका फेवरेट काउंटर भी है, इसमें क्या करना चाहिए और अगले हफ्ते के लिए क्या लग रहा है? यहाँ ये काफी डिस्ट्रेस एसेट है, जो कैटल फीड या दूसरी चीजों की तेजी की उस पर इफेक्ट नहीं आ रही है, और मैं समझता हूँ यहाँ जो बेरिश साइकोलॉजी है वो भी थोड़ी ओवरली बेरिश हो गई है। तो मैं करंट लेवल पे बाइंग प्रेफर करूंगा। 2 से 3 वीक 3 वीक के लिए मेरा लक्ष्य 1920 का रहेगा, स्टॉप लॉस 1740 का रहेगा। ओके, यानी इनका मानना है कि कॉटन केक दिसंबर को आप खरीद कर चल सकते हैं 1,920 रुपए के टारगेट के लिए। अब आखिरी सवाल रविन जी आपसे, एडिबल ऑयल में मस्टर्ड या सोयाबीन, इन दोनों में से कोई एक पसंद है क्या आपको? विश्वमन, एक्चुअली दोनों अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मस्टर्ड में शायद ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा एक 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 रेजिस्टेंस आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मेरे हिसाब से सोयाबीन वुड बी अ बेटर बेट, क्योंकि सीबॉट पे सोया मील, सोयाबीन सब कुछ ऊपर जा रहा है और बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से सोयाबीन वुड बी अ बेटर काउंटर एज कम्पेयर टू मस्टर्ड, और मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 4,500 का इनिशियल होगा, और उसके बाद ये 4,600 तक भी जा सकता है। तो आई थिंक सोयाबीन में अगर डिप आता है तो इट वुड बी अ गुड बाय। ओके, यानी सोयाबीन इनको ज्यादा बेहतर लग रहा है सरसों के मुकाबले, और इसकी तेजी और ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए, तो हमने इस अपने खास पेशकश में 10 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताए, गोल्ड, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड मिनी, सिल्वर, सिल्वर मिनी, क्रूड, कॉपर, और इसके एग्री मार्केट में हमने बताए आपको सोयाबीन खरीद कर चल सकते हैं, मस्टर्ड खरीद सकते हैं, ग्वार सीड और कॉटन केक के बारे में भी बताया, यानी 10 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़। अब तीनों ही मेहमानों का बहुत ही धन्यवाद कि आपने अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ अगले हफ्ते दर्शकों को साझा किए और बताए इन ट्रेडिंग आइडियाज़ में क्या करना चाहिए और किस तरह से रणनीति अगले हफ्ते बनानी चाहिए। तो हम अपनी खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ये खबरों का सिलसिला वहाँ लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।